बोलन तो दे भाई, मुझे ये कह रहा है कि थैंक यू ऑल ऑफ अस, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर्स और हमारी जैसे कि मैनेजर मैनेजर का कि हमारी टेक्निकल टीम राइट फ्रॉम अस स्पॉट बॉयज जेडी सोनू आओ कैमरामैन राजा गागा संजय जी अपना डिले शेड्यूलर जिससे बहुत मेरी लड़ाई होती है और हम सारे एक्टर्स को तो आप देखते हैं लेकिन हप्पू की उल्टन पलटन हम सबको बधाई लेकिन उसके पीछे ये जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया और नहीं लिया वो ज्यादा जरूरी है उनके लिए बहुत सारी बहुत कुछ के बहुत खुशी हुई है कि ये ऐसे लग रहा है कि बस पता भी नहीं चला और सच में अभी हमारी आंखों के सामने ये सेट हमने बनते हुए देखा है क्योंकि मैं यहाँ शूटिंग भी करता था भाभी जी की और देखते ही देखते हमारे शो को भी आज 3 साल हो गए हैं और ठीक 2 दिन पहले हमने अभी केक काटा क्योंकि भाभी जी घर पे हैं को भी 7 साल हो गए थे तो मैं तो डबल मज़े ले रहा हूँ। बाकी अपना अपना मज़ा ये भी बताएंगे, मैं तो डबल मज़े ले रहा हूँ। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि और मेहनत करें ताकि ये शो और चले क्योंकि इतना प्यार आपने दिया है और हमारी उम्मीदें और बढ़ गई हैं आपसे, तो और हम आपसे और प्यार लेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आजकल के ज़माने में शो सिर्फ 3 महीने या 6 महीने तक चलते हैं, मैक्सिमम 9 महीने साल भर। हाँ। लेकिन हमारा हप्पू की उल्टन पलटन कोविड का ब्रेक आने के बावजूद चला जा रहा है मसलसल और लोगों का प्यार हमें मिल रहा है विच इज़ वेरी रेयर और मैंने बहुत सारे किरदार करे हैं तो जितना मज़ा मुझे हप्पू की उल्टन पलटन अब तो हम लोग एक फैमिली की तरह हो गए हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरी बहू और हमारे इनके बच्चे, मेरे पति देव जो कि सिर्फ मुझे ही दिखाई देते, तो किरदार करने में इतना मज़ा आ रहा है और हप्पू की उल्टन पलटन करने में इतना मज़ा आ रहा है और आज तो इतनी खुशी हो रही है कि मुझे आई कांट इवन से आई एम ओवरवेल्ड। ओके, डे 1 से लेकर आज तक की जो एक्सपीरियंस आपने फील किया है, जो आप ऑडियंस से कनेक्शन एक बना दिए हैं उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे, जिस तरह से ऑडियंस आपके कैरेक्टर को लेकर जानती है? बिल्कुल, इस कैरेक्टर का तो कनेक्शन आप देख रहे हैं कि जैसे भाभी जी से ही बन गया था, उसी वजह से शायद लोगों ने जब पसंद किया तो उसी वजह से ये शो बना, तो कनेक्शन तो बन ही गया था लेकिन इतना प्यार इस शो को भी मिलेगा क्योंकि भाभी जी अपने आप में बहुत बड़ा हिट है, मतलब जिठा तो नहीं बोलूँगा अभी भी, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि लोग भाभी जी जैसा ही इसको भी इतना रिस्पांस देंगे। मुझे ये लग रहा था कि 1.5 साल भी चल गया तो बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ तो देखते देखते 3 साल हो गए हैं, हम भी 700 एपिसोड, शायद 700 के ऊपर हमारे एपिसोड पहुँच गए हैं, तो देखते देखते अभी 1000 का भी हम केक काटेंगे तो बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत किरदार मिला है करने को जिसमें, और हर बार नई कहानी आती है तो ये बहुत खूबसूरती है हमारे शो की कि सिर्फ एक ही कहानी नहीं कि सास को, सास तंग कर रही बहू को और बहू बेचारी रोए जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर बार नई कहानी है, हर बार नई कहानी, कुछ नया करने को मिलता है, तो एज एन एक्टर आपको और क्या चाहिए? और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने बहुत सारे किरदार करे हैं अपने करियर में, टीवी में, फिल्म्स में, थिएटर में, और कटोरी अम्मा का किरदार भी मैंने इसीलिए किया था कि बहुत ही खूबसूरत, इतने सारे आयाम, लेकिन मुझे वाकई नहीं पता था कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा। टीवी पे मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए लेकिन मेरा जो पहला कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हुआ था देवकी भौजाई, और देवकी भौजाई के बाद कटोरी अम्मा भी उतना, बल्कि
और ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हुआ है कि वो तो दूरदर्शन था, उसकी रीच कम थी, लेकिन एन टीवी और आजकल सोशल मीडिया और ये सब इतने चैनल्स हो गए, और जब हम लोग बाहर जाते हैं, हम तो आते हैं सेट पर अपना काम करके एंजॉय करके चले जाते हैं, लेकिन जब कभी बाहर ट्रैवल करते हैं तो तब हमको एहसास होता है अरे बाप रे लोग कितना प्यार करते हैं। और ख़ासकर मैं देहरादून की उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड मतलब पूरा उत्तराखंड हप्पू की उल्टन पलटन, मतलब मैं एक NSD का एक फंक्शन में गई हुई थी, तो वहाँ पे वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर और जो कल्चरल मिनिस्टर है वो आए हुए, तो वो मुझे बोले भैया हम तो हप्पू की उल्टन पलटन ज़रूर देखते हैं और हमारा पूरा परिवार सब कुछ काम शाम छोड़ कर हप्पू की उल्टन पलटन देखने बैठ जाता है। तो ये इतना बड़ा पैट ऑन द बैक यूपीएमपी के लोग पसंद करें तो है, बट बाकी लोग भी हाँ बाकी लोग, क्योंकि ये भाषा उत्तराखंड में तो गढ़वाली भाषा, लेकिन फिर भी वो यहाँ की भाषा को एक्सेप्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसका मज़ा ही उसकी भाषा। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे से लेके बूढ़े कोई भी हर एज का दर्शक हर, भी हर मिला बच्चा हमें। बच्चा बोलता है अरे दादा, तो मतलब कुछ सीरियल होते हैं जिसमें एक खास एज वाले ज़्यादा मज़े लेते हैं, बाकी लोग नहीं भी लेते। इसका जो रिस्पांस मैंने देखा है, मैं जाता हूँ बाहर इवेंट में भी जाता हूँ, तो छोटे छोटे बच्चों से मैंने देखा मेरी कॉस्ट्यूम वर्दी पहन के, मेरे बड़े बड़े फ़ोन कट उनको याद हैं और मेरी एक्टिंग करके बता रहे हैं, छोटे छोटे कॉलेज में छोटे छोटे बच्चों सब जगह। जब इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है तो किस तरह की आपको मतलब फीलिंग महसूस होती है, क्या कुछ अचीवमेंट ऐसा फील होता बस है? बस हम तो यही फील करते हैं, हम यही फील करते हैं जिस वजह से हमने मुंबई की ट्रेन पकड़ी थी वो सपना सच हो रहा है, हम यही करने आए थे और वही करने को मिला। ये सब किसी के साथ होता नहीं है, करना सभी चाहते हैं बट किसी किसी को मौके उतने मिलते हैं किसी को नहीं। हमने इसी वजह से मुंबई की ट्रेन पकड़ी कि हमें लोग जाने, हमारे काम को इन्जॉय करें, हमारी तारीफें हों, हमारे काम को पसंद करें, तो इस शो से मेरा वही हुआ। लाइट ही चलेगी। डन डन सो लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आगे के एपिसोड में, क्या कुछ बताना? भैया हम तो जो ही कह रहे हैं कि ऐसे ही प्यार से अपनी न्यौछावर देते रहिए, हम ऐसे ही प्यार से शो आगे बढ़ाते रहेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।